आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और ये हमारी दूसरी क्लास है। और यूट्यूब में आप सबको वेलकम करता हूँ हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, जो कि मैं जूम ऐप के थ्रू करता हूँ। और मेरे साथ एक स्पार्क जी हैं जो कि डिफरेंट लोकेशन से मेरे साथ ज्वाइन है इस जूम ऐप की मदद से। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का फंक्शन करता है। तो मेरे साथ बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बात जी, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लासेस। जी तो हमने लास्ट क्लासेस में फंडामेंटल ऑफ द वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पढ़ा था कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कहाँ, कैसे, कभी और क्या यूज होता है। और हमने बताया कोडिंग कहाँ पे करना है और किस किस हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको स्टार्ट करते हैं, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और आज जी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का बेनिफिट लेंगे फॉर द लर्निंग। ओके तो देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन मैं आपको हटा देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं कि जो रिकॉर्डिंग माइक्रो है, जो कि व्यू में या डेवलपर में मुझे दिखता है, वो माइक्रो है, और जो हम कोडिंग करते हैं वो वीवी है। ऐसे ओके क्वेश्चन मुझे बहुत मिले हैं जो कि गलत है। देखिए, रिकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो माउस मूवमेंट है, जो भी आपकी एक्टिविटी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे रोल लिखा, जो भी हमारी ओके एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को वो माउस इसमें कोड में कन्वर्ट करता है। तो कोड देखना है तो माइक्रो में जाइए और एडिट पे क्लिक कीजिए, तो आपको विजुअल बेसिक एडिटर खोल देगा और यहाँ पे आपके कोड्स होंगे। एक्टिव कोड है, जी एक कोड हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग है। ये लैंग्वेज जो है हमारी वीवीए लैंग्वेज मतलब कि राइट जो माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो है, एक तरह का टूल्स है, या एक तरह से समझिए कि माइक्रो राइट करने वाला एक कमांड है कि आप कुछ करते हो उसकी उसको माइक्रो में कन्वर्ट कर देता है वीवी ओके प्रोग्रामिंग में। तो बनाता वो भी माइक्रो ही है, और हम विजुअल बेसिक के जरिए जब कोड करेंगे वो भी हम बनाएंगे माइक्रो ही। जैसे कि विजुअल बेसिक के जरिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो सब माइक्रो का नाम दिया, जिसने बाय डिफॉल्ट माइक्रो 1 2 3 किया, मैंने अपना नाम भी दे दिया। और मैं भी यहाँ पे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट ही करूंगा, ओके ठीक है? तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर, हम रिकॉर्डिंग माइक्रो जब करते हैं तब, और जब हम खुद से कोड करते हैं, दोनों के कोड में थोड़ा अंतर होता है। जाहिर सी बात होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम कोड करते हैं तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको अगर बॉस से छुट्टी मांगनी है, तो आप वर्बली जा बोलना है तो बोल दोगे, बस कल मैं नहीं आ रहा हूं, कुछ काम है। हाँ भाई, मुझे जवाब देगा, राइट? राइट लेकिन इसी चीज को मेल के थ्रू या लेटर के थ्रू आपसे मांगना बोला है, तो आप एक प्लेन पेपर पे या फिर मेल पे फिर लिख दोगे, बॉस आई एम टुडे आई एम नॉट अवेलेबल, सिर्फ इतना लिख के थोड़ा राइट भेज देंगे। सही है आप एक पैटर्न को फॉलो कर करेंगे, टू डियर सर, कंपनी नेम, आई हैव रिक्वेस्टिंग द लीव, वगैरह वगैरह, थैंक यू रिगार्ड, ये पूरा लिखेंगे। बराबर तो सेम जो हम रिकॉर्डिंग माइक्रो करते हैं, तो सेम जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल वैल्यू डॉट नेम, हम अगर लिखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कि डॉट वैल्यू नेम, ठीक ओके है? जी तो यहाँ पे जो दो लाइन की कोड, दो लाइन की कोड को हमने इग्नोर करके हमने सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड लिख दिया। ओके
समझ में आ गया? समझ में आ गया। डाउट इस पे? नहीं कोई डाउट। अब बात आती है कि हमें बेनिफिट क्या है, तो इसके हम दो बेनिफिट उठाते हैं। पहले बेनिफिट बेनिफिट लर्नर के लिए होता है, जैसे कि आप अभी लर्निंग स्टेज पे है, राइट? आपको मेनू वाले के, मान लीजिए आपको पेस्ट स्पेशल, बट पेस्ट स्पेशल की कोड आप भूल गए हो या समझ में नहीं आ रहा या फिर पता नहीं वगैरह वगैरह, तो आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग माइक्रो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके। कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू। अब इसकी कोड माइक्रो डेवलपर टैब में जाऊंगा, माइक्रो लिस्ट में मैं एडिट करूंगा माइक्रो टू को, और मुझे कोड पता चल जाएगा कि सिलेक्शन डॉट पेस्ट क्या करना था, वैल्यू करना था, ऑपरेशन को सिलेक्ट नहीं किया, इसकी ब्लैंक सिलेक्ट नहीं किया, ट्रांसपोज को सिलेक्ट नहीं किया। ओके, तो आप इसको देख के समझ गए जी। तो लर्निंग के लिए आपके लर्निंग जो लर्नर, तो उनको एक तरह से हेल्प या गाइड की तरह वर्क करता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, से हम लोग हैं, हम लोग भी रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करते हैं, कहाँ करते हैं? चलिए इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। अब मेरे सामने आप देख रहे हैं कि डेटा है, डेटा दिख रहा है आपको? इसमें इसमें क्या है कि अब इस डेटा में क्या है कि मुझे इसको फिल्टर करके, मैं मेरा पूरा जो है डेटा है, ओवरऑल डेटा है, लेकिन जब मुझे कोई बोलता है कि जैसे पूजा ने बोला कि मुझे मेरा सेल्स का रिकॉर्ड दे दो, तो हम फिल्टर लगाते हैं और यहाँ से पूजा का या इंदर का जो भी है, जैसे पूजा कराते हैं, पूजा से करते हैं, पूजा का फिल्टर करते हैं और फिर डेटा को करके कॉपी करते हैं, नई शीट पे पेस्ट करते हैं, फिर उसको नई फाइल बनाते हैं और भेज देते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा माइक्रो बनाना कि जब हम चाहे रन करें, मुझसे नाम पूछे, जैसे मैं नाम दू वो क्या करे, उस नाम का माइक्रो बना दे, उस नाम का सी एक्सेल फाइल बना दे, ताकि हम मेल कर सकें, माफ कीजिए, उस लाइन का मैक्रो बना दे, फाइल बना दे, एक नाम का डेटा फाइल बना कर रख दे, ऐसे मैक्रो हम चाहते हैं। ठीक, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, हम रिकॉर्डिंग मैक्रो को यूज करते हैं। ओके, हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लगाया, फिर हमने यहाँ से एक पर्टिकुलर नेम, जैसे कि हम इंदर है, हमने इंदर को सिलेक्ट किया। जब यहाँ पे जब भी आप सिलेक्शन करें, कंट्रोल ए करके सिलेक्शन किया, फिर हम यहाँ पे कंट्रोल जी और यहाँ पे स्पेशल, और स्पेशल में हमने विजुअल सेल्स ले लिया ताकि फिल्टर के पीछे का डेटा कॉपी ना हो, बराबर, और फिर इसको कॉपी किया, नई सीट, अगर आपके पास सीट है फिर भी आप नई सीट इंसर्ट करोगे ताकि नई सीट इंसर्ट होने का कोड आ जाए, और जब आप रिकॉर्डिंग मैक्रो करो तो एक्स्ट्रा माउस मूविंग ना करो या गलत जगह पे मत जाओ। यहाँ पे नाम मैंने इंदर रखा, फिर हम इस सीट को मूव किए, ये अमूव या अमूव कर देते सीधे कहाँ पे, नई वर्कशीट, ठीक है, एक नया फाइल आ गया इंदर से। अब इस फाइल का नाम मैं सेव कर देता हूँ किसमें, मान लीजिए एक अलग ड्राइव में जाता हूँ, ड्राइव में से फाइल में एक्सेल फाइल में नाम से, ठीक है, ठीक है, और इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, वापस आता हूँ और इसको फिल्टर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, उसके बाद अब मैं इसकी माइक्रो की कोडिंग देता हूँ, माइक्रो थ्री। अब ध्यान रखिएगा ये माइक्रो अभी वर्क नहीं करेगा, रिकॉर्ड हुआ है,
क्योंकि इसमें दिक्कत है। सबसे पहला दिक्कत यहाँ देखिए, यहाँ सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर दो दो बार फिल्टर लगा हुआ है, ओके फिल्टर को हटा देते हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए रेंज 1 से 302 तक गया है, राइट। राइट जैसे हम देखते हैं कि फिल्टर अब जो लगा देते हैं, हम सिर्फ एक सेल पे लगा के फिल्टर लगा देते हैं। बराबर। हम यहाँ से इसकी एंडिंग पोजीशन हटा देते हैं कि A1 डॉट फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए विंडो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, अभी तो गलत कोर आ गया, जैसे हमने स्क्रॉल घुमाया था बीच का जो माउस का होता है जो व्हील होता है। बराबर। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ए, अब यहाँ पे एक गलत कोड यहाँ सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको A1 से 302 तक हो गया, अब एक गलत है। इसलिए हम एक और मैप को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कर्सर को A1 पे रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट एंड डाउन, ओके कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे बीच में सही है, कॉपी किया सीट को ऐड किया पेस्ट किया। अब देखिए सीट टू डॉट सेलेक्ट, हर बार जो सीट ऐड होगा तो सीट टू थोड़ी होगा, बराबर। ओके क्या लेकिन ऊपर हाँ बराबर एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, जो पेस्ट हुआ है उसी को तो इनेबल करना है हमें, तो एक्टिव सीट को लिया और हमने सीट टू के नाम को हटाया उसके जगह पे डाल दिया। ओके अब इंदर नाम भी गलत है, इसको हटाइए, बट को भी वर्ड फॉल्स पर एस्केप हमने मारा, सही है, इसको भी एक्टिव सीट डॉट मूव कर दीजिए, इन डायरेक्टरी ई इसको नहीं चाहिए, गलत है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका सेव इंदर डॉट हो गया, एक्टिव विंडो डॉट क्लोज, सिलेक्शन ऑटो फिल्टर, अब आपका माइक्रो परफॉर्म करेगा लेकिन वो इंदर को ही फिल्टर करेगा। मैं चाहता हूं कि पूछे कि किसको फिल्टर करना है, अच्छा तो हम शुरुआती में हम कर देते हैं एल इक्वल टू इनपुट बॉक्स का कोड लगा देते हैं। ओके जो कि स्टोर होगा हमारा एन के ऊपर, ठीक है, ये कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं सर। हाँ जैसे आप मैथमेटिक्स में एबीसीडी लेते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड, अच्छा ऐसे यहाँ पे आप ले सकते हैं, और जहां जहां इंदर है वहां वहां हमने इस एन को ले लिया। ओके ठीक है, अब यहां पे मैं एन नहीं कर सकते क्योंकि ए इन्वर्टेड कॉमा में, राइट, तो हम इसको तोड़ेंगे फिर, ओके बराबर, कोलकाता नेट से फिर उसको ज्वाइन करेंगे। ओके ठीक है, ठीक है, अब मेरा माइक्रो परफेक्टली वर्क करेगा। चलिए एक ट्राई कर लेते हैं जी, यहाँ पे माइक्रो पे गए, माइक्रो 3 को हमने रन किया, मुझे नेम पूछा, मैंने दे दिया पूरा, ठीक है। अब आप ठीक है यहाँ पे जाइए डी ड्राइव ड्राइव में जाइए, डी ड्राइव पर इसमें आगे को देख लेते हैं इसमें अंदर उदय का ही डेटा है कोई और डेटा है, उदय का ही डेटा है जी। तो इससे आपको क्या पता चला, देखिए अब इसमें बहुत सारे कोड ऐसे जो आपको शायद पता न हो, लेकिन मुझे कोड बताना पर्पस नहीं था, पर्पस था कि हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का भी इस्तेमाल कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमें इतने सारे माइक्रो को लिखने कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके टाइम बच गया लिखने का, टाइम बच गया, हमने कोड को जस्ट डायनेमिक कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब और आता है कि कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो
सब कोडिंग कर ही देता है, कर ही देता है, तो तू यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख क्यों रहे है? तो प्रोग्रामिंग बराबर लैंग्वेज सीखने का पर्पस आपके सामने है कि आप अपने कोड को डायनेमिक कर सके, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैक्रो कोड को डायनेमिक नहीं करेगा। ओके मतलब अननेसेसरी स्टेप भी काउंट करता है हाँ जी। ओके। तो अब आगे आपको क्या करना है, आप डायरी एक डायरी परचेज कर लीजिएगा, मोटा सा रजिस्टर जिसको जी बोलते हैं, और आप होम फाइल मेनू से ही चल सकते हैं, फाइल मेनू से चल सकते हैं, और आपको हर एक फंक्शन का कोड लिखना है। जैसे ओके कि आपको न्यू सीट इंसर्ट करने का कोड क्या होता है, ओके आपको फाइल में सेव करने का कोड क्या होता है, सेव एज का कोड क्या होता है, आपको यहाँ होम में कॉपी का क्या होता है, कट का कोड क्या होता है, पेस्ट का क्या होता है, फॉर्मेट एंट्री क्या होता है, वो सारे कोड आप लिखेंगे। देखिए क्या होगा कि इसमें बहुत सारे कोड आपको वीवी रिकॉर्डिंग बता देगा, लेकिन कुछ ऐसे कोड है जो रिकॉर्डिंग माइक्रो में आपको समझ में नहीं है। जैसे ओके कि अगर मैं बात करूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो हमने कि ओके राइट डुप्लीकेट को हाईलाइट कर दिया ना। इस हाँ कोड को समझना थोड़ा सा मुश्किल है फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको सिलेक्शन डॉट यूनिक रिकॉर्ड वैल्यू दिख रहा है आपको, जी फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेट आइकन डॉट काउंट सेट प्रोसीड। अब इसमें क्या है कि ये दोनों जरूरी नहीं ओके ओके है, सिलेक्शन डॉट कंडीशंस वन डुप्लीकेट यूनिक, यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ, और ये आपका फॉर्मेटिंग है, ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया फॉन्ट का, ये फॉर्मेटिंग आपका हो गया इंटीरियर बैकग्राउंड कलर का, अच्छा ठीक है। जी इसमें बहुत सारे डीएम, तो ये सब चीजें हमको समझाएंगे आपको। तो जो छोटे छोटे ओके कॉपी करने का, पेस्ट करने का, पेस्ट स्पेशल बहुत सारी चीज को करने का, कलर लगाने का, ये चीज आप खुद समझ सकते हैं। ओके इन छोटी छोटी चीजों को आप खुद आप जो है रिकॉर्डिंग करके सीख लीजिए, जहां डाउट होगा मैं बता दूंगा, तो मैं अपना टाइम आपको वीवीए कंसेप्ट की तरफ लगाऊंगा, ओके कि मैं अगर सारा एक एक अपने ऑप्शंस का कोड बताने लगा तो काफी ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा, ठीक ठीक है। है तो इसको कर लीजिएगा, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो बंदा से बंदा आ गया, जी सर। तो आप बोल रहे हो कि एक एक जो जो हमारे कॉपी पेस्ट करके रिकॉर्डिंग मेरे को बना के सीखनी हाँ मतलब कि कोड उसको नोट कर लीजिएगा कि भाई कॉपी जी। करने का कोड क्या होता है, कट करने का कोड क्या होता है, पेस्ट करने का क्या होता है, पेस्ट स्पेशल कोड क्या होता है, उसको समझिएगा। जो लाइन ऑफ कोड समझ ओके में आए डेली दो चार पूछ लीजिएगा क्लास में, तो जैसे जैसे कोर्स आपका बनेगा वैसे वैसे आप मेनू बार के चीजें भी जानते जाएंगे, अच्छा ओके ठीक ठीक है ना। है और कोई डाउट क्वेश्चन है आपके पास? नहीं सर फिलहाल तो क्योंकि एक्सेल काफी पढ़ा हुआ है तो काफी कुछ समझ में आ जाता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं तो ठीक इजी है, है तो फिलहाल अभी काफी। मैंने रिकॉर्डिंग मैप के ऊपर जो प्रैक्टिस एक बताया है, ऐसे ही आप 3 या 4 रिकॉर्डिंग मैप को बढ़ा के मुझे अभी भेजिए। ठीक है।